वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ ड्राइविटिंग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की पूरी क्लास ले चुके हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने 1 से 5 चैप्टर के नहीं देखे, वो आप पीछे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब है कि जो भी आपने चैप्टर 5 में डेरिवेटिव सीखा है, इसका एप्लीकेशन यानी इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे इसके यूज में हमें जानना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कोई भी क्वांटिटीज दिया गया है, अगर उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसमें हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है पर यूनिट, यानी एक यूनिट के लिए अगर आपको निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, डेरिवेटिव का यूज करोगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हमें कह रहा है रिकॉल डेट बाय द डेरिवेटिव ds बाय dt वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ds बाय dt का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने फिक्स में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity। तो ds by dt को आप क्या बोल सकते हैं, velocity बोल सकते हैं। In a similar fashion, whenever one quantity y varies with another quantity x, satisfying the sum rule y equal to f of x, then dy by dx or f dot of x represent the rate of change of y with respect to x। कह रहा है कि अगर आप जिस तरह से आपने देखा ds by dt, इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि कोई भी वन क्वांटिटी वाई अगर क्वांटिटी एक्स के साथ वैरी करता है, यानी कि वाई चेंज होता है एक्स के साथ या एक्स चेंज होता है वाई के साथ, तो कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द रूल वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वाई डिपेंड ऑन एक्स, वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करती है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। You can say f dash of x, यानी dy by dx derivative of y with respect to x को आप denote कर सकते हैं कैसे, f dash of x। f dash of x का मतलब वही होता है कि rate of change of y with respect to x। और अगर आप इसको लिखते हैं dy by dx at x equal to 0, that means f dash of x 0 represent the rate of change of y with respect to x at x equal to 0, that means f dash of x क्या निकाला आपने, dy by dx। If we have to find, अगर हमें find करना है derivative of y with respect to x कब, at x equal to 0, then we have to find f dash of x 0, यानी जो आपने f और dash of x निकाला है उसमें x की जगह x के 0 put कर दो। Similarly कह रहा है कि if the two variables x and y are varying with respect to another variable t, अब कह रहा है कि suppose करो दो variables हैं, one variable x and other variable y, both variable are varying with respect to another variable t, दो variable एक variable के along change होता है, depend करता है, that means x is a function of t and y is also a function of t. So if x equal to f of t and y g of t, then by chain rules हमने chapter 5 के अंदर सीख चुके हैं derivative में, तो chain rule के according कहता है कि अगर हमें find क्या करना है कि how y changes to x, but x and y both are variable with respect, both are varying with the t. Now we have to find dy by dt. That means rate of change of y with respect to x, dy by dx को find करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले find करो dy by dt, यानी rate of change of y with respect to t, and upon में rate of change of x with respect to t, dy by dt upon dx by dt। अब आप देखेंगे कि dy by dx को आप ये लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो चलो इसको दिखाते हैं pen tab के हेल्प से। ध्यान दो, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है डी वाई वाई टी एक्स, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखे, ध्यान दो, जैसे आपने देखा कि डी वाई
अपॉन dx, ये दिया गया है dy अपॉन dt, और आप जानते हैं ये डिवाइड है, डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में लाओगे तो जस्ट रेसिप्रोकल, तो दिस इज dt बिकम न्यूमरेटर एंड dx विल बिकम d, राइट? नाउ dt dt कैंसिल आउट, यू विल गेट dy by dx, तो क्या पता चला कि dy by dx, dy by dx कैन बी रिटेन एज dy by dt अपॉन dx by dt. तो हमें पता चला कि अगर दो वेरिएबल किसी एक वेरिएबल के साथ वैरी करता है, तो उस केस में अगर आपको वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना है, dy by dx फाइंड कर, तो dy by dt फाइंड करो पहले एंड डिवाइड dx by dt, एंड ये याद रखना dx by dt डज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये आप जानते हो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो क्या बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हो जाएगा. तो हमें याद रखना है कि dy by dx तभी पॉसिबल हो सकता है जब dx by dt क्या हो, नॉन जीरो, वो जीरो ना. क्लियर? चलो आगे आते हैं, यहाँ तो पहले इसको हम डिलीट करते हैं और अब आगे आते हैं. इसके आगे हमें जानना है, अब ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का ये पहला एग्जाम्पल है, अगर गौर से देखोगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमें क्षेत्रफल में जो बदलाव आया उसका रेट निकालना पर सेकेंड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी आर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज 5. अब आप जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हो कि एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. जिस बच्चे को याद नहीं है वो लर्न कर लो, आई थिंक सबको याद होगा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, और हमेशा याद रखिए कि पाई की जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखना है, आई थिंक सब बच्चों को याद होगा, फिर भी हम रिपीट करते हैं ध्यान. तो याद रखिए कि ये जो हमारा पाई है, ये जो पाई दिया गया है, ये पाई की जो वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3. यहां पर जाने का, चलो इसको थोड़ा लेफ्ट करते हैं, 3. ये 1 है और ये हमारा आ गया 4, 3.14. अब अगर इसको हम यहाँ से लेते हैं, यानी ये आपको दिखाना चाह रहे थे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 और इसको आप लिख सकते हैं 3.1. तो ये हमेशा याद रखना है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, मोस्टली बच्चों को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो नोट करो, इसको याद करो. Therefore, कह रहा, therefore, the rate of change of area with respect to the radius is given by dA by dr. अभी आपने सीखा था कि rate of change, इसका निकाल, rate of change of area with respect to r dA by dr. अब आप जानते हो d by dr, ये तो आपने निकाला यहाँ pi r square. Now, pi constant, आपने fifth chapter में पढ़ चुके हो derivative, यानी differentiation, pi constant है, बाहर ले लेंगे, और r स्क्वायर का आ जाएगा 2πr. लेकिन जो बच्चे नए हैं उस बच्चे को एक बार दोबारा हम यहाँ से दिखा रहे हैं, देखो अगर हमें इसको डेरिवेटिव निकालना, राइट, इसको अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो रूल क्या कहता है, पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई को छोड़ दो, और ये r स्क्वायर को अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपने फॉर्मूला सीखा था एक्स टू दी पावर, यानी 2 पहले आ जाएगा और r की पावर क्या हो जाएगी, 1. तो ये क्या कहलाएगा, 2πr. ये फॉर्मूला आप जानते हो कि डेट इज डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस, ये आपका फॉर्मूला. अगर आपको याद नहीं तो इसको नोट कर लेना है, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स की डी बाई डी एक्स की एन एक्स की एन माइनस. इसी फॉर्मूले से यहाँ हमने निकाला पाई आर स्क्वायर था,
ये पाई का पाई लिख दिया, आर स्क्वायर को आप देखोगे 2 × r^2 ये क्या देगा 2r³, डेट इज 2r, सो 2πr ये आपका पॉइंट है, राइट। अब आप देखोगे कि गिवन क्या है, r इज 5, dA by dr इक्वल टू क्या जाएगा 10π, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपने क्या देखा, यहाँ dA by dr की जो हमारी वैल्यू थी डेट इज क्या था 2πr, तो 2π आपके पास है और r की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, हम यहाँ वैल्यू 5 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा 10π, राइट। अब ये आ गया 10π, ये आपका आंसर यहाँ लिख रखा है 10π, 2πr, 2π, 2π, that is called 10π। तो ये था आपका पहला एग्जांपल, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। Find the rate of change of area of circle per second with respect to its radius r when r is 5 cm. That means आपसे ये बोला गया क्वेश्चन में कि आप हमें find कीजिए rate of change of area with respect to radius. That means we have to find dA by dr. So just यहाँ आ जाओ dA by dr. Now area of circle you know well pi r square. D by dr of pi r square. So this is derivative of pi r square with respect to r. Pi constant, pi को आपने क्या किया छोड़ दिया और r square का derivative निकालोगे तो ये formula है x की n n x की n minus. तो x की मतलब क्या है, x की जगह क्या दिया हुआ है 2. और 2 r दे रखा है, r की पावर है 2, तो 2 पहले आ जाएगा और इनटू में r की पावर 2 − 1, तो 2 × r ये मिलेगा 2r, सो दिस इज 2πr, ये हमारा आंसर आ गया dA by dr. अब आपसे बोला गया है कि when r 5 तो dA by dr क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू r क्या, तो उस केस में आप देखोगे कि दैट इज dA by dr क्या आ जाएगा 2πr, 2π, 2π, that is 10π. ये आपका राइट आंसर, क्लियर है। इसी तरह से चलो इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसी तरह से आप देखोगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर टू में भी यही बात है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cubic centimeters per second. हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 cm. आपको कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवेन पर सेकेंड dv/dt. तो आपने लिख दिया dv/dt 9 cm³/s ये गिवेन, ओके। अब आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेट एक्स बी लेंथ ऑफ साइड, देन बी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है साइड का क्यूब, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 × में साइड स्क्वायर, तो 6 × x² वेयर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो dv/dt गिवन है 9, तो 9 लिख दिया आपने और dv/dt v का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, तो dv/dt ऑफ एक्स क्यूब। अब आप देखोगे कि dv/dx अब क्या चेक करना है, चेन रूल क्या कहता है कि एक्स क्यूब किसका फंक्शन है x का, तो वी विल फाइंड dx³/dx इनटू x किसका फंक्शन है t का, dx/dt, चेन रूल यही कहता है कि x³ फंक्शन x का है dx³/dx, अगेन एक्स है टी का dx/dt। नाउ अभी फॉर्मूला बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में, एक्स क्यूब है तो 3 पहले आएगा और 3 − 1 = 2, 3x² आ गया dx/dt, ये आ गया पहला पॉइंट। अब आप देखोगे कि यहाँ आपने देखा है कि डेट इज dx/dt, तो dx/dt की वैल्यू क्या है वो हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से dx/dt निकालोगे तो चलो हम इसको भी दिखाते हैं आपको, अगर यहाँ से हमें dx/dt को दिखाना है, dx/dt को अगर आप दिखाओगे तो dx/dt को कैसे दिखाएंगे, यहाँ देखिए कि आपने देखा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या है, दैट इज 9 = 3x² dx / dt, ये आपका नंबर, राइट, दिस इज 2। अब आपको फाइंड करना है अगर dx/dt तो क्या करेंगे,
तो ये dx by dt आपको फाइंड कर, ये 3x square इधर आएगा 9 अपॉन में 3x square, now 3 3 जा 9, तो क्या मिलेगा 3 अपॉन में x square। इसी को आपको दिखाया गया यहाँ कि dx by dt की वैल्यू क्या आ गई 3 by x square। अब आपको चाहिए क्या, पूछा गया है कि how far is the surface area increasing, सर ds by dt ये पूछा गया, ds by how is increasing when length of AC 10 cm, यानी आपसे पूछा गया है ds by dt, again d by dt as surface area क्या दिया गया है 6x square, 6 into में side का square, ये formula है। आप इस formula को याद कर सकते हैं, ये जो volume है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, यहाँ जो फॉर्मूला बताया गया है सरफेस एरिया का, ये फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई में और साइड होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, राइट। इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है कि दैट डी बाई डी टी ऑफ 6x स्क्वायर है, d अब x 6 स्क्वायर किसका फंक्शन है x का, d by dx of 6x स्क्वायर into में dx by dt, राइट। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 2 जा 12x into dx by dt और ये 3 by x स्क्वायर हम इसका पुट कर, चलो वो दिखाते हैं नेक्स्ट पे, पहले इसको हम हटा देते हैं और यहाँ आते हैं। अब आप देखिए कि ये आपका आ गया dx by dt, तो मैं जैसा बताया था 6 स्क्वायर है, इससे स्क्वायर लिख देंगे 12x आ जाएगा और ये आ जाएगा d 3 by x स्क्वायर, तो x x कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 36 by x। अब आपसे पूछा गया है dx by dt when length is 10 cm, तो लेंथ 10 है तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ 10 पुट करो, तो 10 अगर पुट करोगे 36 upon 10 तो क्या होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर भी अगर कोई ट्रबल आती है, कोई परेशानी आती है आपको क्वेश्चंस में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप लिख सकते हो ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप into a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 4 cm per second. At the instant when the radius of circular wave is 10 cm, how fast enclosed area increases? यानी कि स्टोन ड्रॉप into quiet lake and wave moves in a circle at a speed of 4 cm per second. यानी आपको दिया गया है कि क्या कंडीशन दे रहा है कि एक स्टोन को आप लेक में ड्रॉप करते हो तो कह रहा उसका वेव मूव करता है, राइट, किस स्पीड से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एट स्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव, जब रेडियस ऑफ सर्कल वेव 10 सेंटीमीटर है तो बताओ उसका एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन वी हैव टू फाइंड dA by dt। तो dA by dt अगर फाइंड करना है तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में सीखा था एरिया इज पाई आर स्क्वायर, dA by dt ऑफ पाई आर स्क्वायर, this is r square, this is a function of r, so d by dr of pi r square into dr by dt, pi r square kya hoga 2 pi r into dr by dt। ab aapko question de rakha hai ki jab circle speed se jata hai 4 cm per second, rate of change of radius de rakha hai dr by dt 4 cm per second, now put the value when r is 10 and dr by dt is 4 cm, तो dA by dt की वैल्यू आ जाएगी 2 pi into r की जगह क्या रख दिया हमने, r की जगह 10 और dr by dt 4, तो आंसर क्या आ गया 80 pi सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो चलो आज के लिए यहीं तक, तो अगर कोई इसमें ट्रबल आता है, परेशानी आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको पता है जैसा कि मैं गया सर, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस हमारी जून पे होती है, इस पे हम 8 to 12 मैथमेटिक्स क्लासेस देते हैं, इसके बाद जेईई मेंस एंड एडवांस की क्लासेस होती है ऑनलाइन जून पे, और एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर की भी क्लास आप ले सकते हैं ओनली मैथमेटिक्स, इसके बाद एसएससी
एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी भी अलग से क्लासेस ऑनलाइन चलती है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास जूम पे लेना चाहते हैं, ये पेड क्लास है, इसकी फीस जमा करनी होती है, वेरी लो फीस है, बहुत ही कम फीस है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं, और ये जो यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए और इसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।